नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेटीवी बिहार न्यूज। जहानाबाद जादू कला विज्ञान पर आधारित कला है, साथ ही यह स्वस्थ मनोरंजन का साधन भी है। उक्त बातें गुरुवार को जादूगर शंकर सम्राट नगर भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से शहर के नगर भवन में वे अपनी जादू कला का जलवा बिखेरने वाले हैं। शाम में आयोजित शो का उद्घाटन डीएम हिमांशु कुमार राय एवं एसपी दीपक रंजन करेंगे। उन्होंने बताया कि जादू 64 कलाओं में से एक कला है जो विलुप्त होती जा रही है, इसे बचाए रखने में सभी का दायित्व जरूरी है। उन्होंने कहा कि जादू शो के दौरान हजारों साल पूर्व विलुप्त हो चुका डायनासोर की लाइव प्रस्तुति समेत अन्य कला कौशल की प्रस्तुति की जाएगी। अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को मिटाने तथा बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, शराबबंदी आदि को भी कला कर्तव्य के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने की बात कही। प्रेस वार्ता में जादू शो के प्रबंधक एस पांडे व अतुल जोशी मौजूद रहे। जादूगर शंकर सम्राट क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। अपने जिला वासियों को और सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को, अपने जिला के लोगों को, अपने टीम के तरफ से नए साल आने वाला है और अभी भी इस टाइम में सभी लोग को अभिनंदन करते हैं अपने जादू की माया नगरी में। और काफ़ी दिनों के बाद लगभग हम लोग 2016 के बाद, हम लोग 4-5 साल के बाद हम लोग जहानाबाद में अपनी माया नगरी यानी जादू की इस नगरी, चूँकि इसलिए मैं जादू की नगरी कहूँगा चूँकि आज तक लोग जादू को बंगाल से जानते थे, लेकिन अपने जिले का नाम जादू का, जादू के दृष्टिकोण से मतलब पूरे देश विदेश तक फैलाए, इसलिए इस माया नगरी को मैं पुनः अपने गृह जिला में अपने जादू के अद्भुत कारनामा लेकर 5 साल के बाद पुनः अपने टीम के साथ कल से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, जादू का जलवा शुरू होगा, जिसका मुख्य आकर्षण होगा वो लाइव डायनासोर। कहने का मतलब कि मंच पे जो लाखों हजारों साल पहले हमारी धरती से विलुप्त हो चुकी है वो डायनासोर, और अपने जादू और अपने कला के माध्यम से दर्शकों के, अपने जिलावासियों को मैं मंच पे रूबरू कराऊंगा। अपने दहाड़ते हुए अंदाज में डायनासोर आपके बीच आएगी, जादू से प्रकट होगी और कहीं ना कहीं माहौल को वो जादुमय करेगा और एक नया नज़ारा मिलेगा। अपने जिलेवासियों का जो प्यार, आज 18 साल से मैं जादू का कार्यक्रम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपने जिले के लोग, पत्रकार लोग, अनुशासनी प्रशासनिक लोग के प्यार की बदौलत अपने देश का नाम जादू में एक अलग पहचान बनाया है। लोग बंगाल का जादू जानते थे, आज कहीं ना कहीं बिहार का जादू लोग पूरे वर्ल्ड में जान रहे हैं, पूरे देश में जान रहे हैं, वो आप लोग की बदौलत। क्योंकि जादू में कुछ नया करने का हमेशा से प्रयास होता है, क्योंकि आज जादू में हमारे 25 से 35 लोग टीम से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हर एक प्रतिदिन मैं कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ ताकि जादू की दुनिया में कुछ अद्भुत कारनामा हो सके। ऐसा होता है चूँकि हमारी जादू जो है देश की कला है और 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला जादू है। दुनिया के जब अजूबा कुछ भी होता है तो लोग उसे जादू से तुलना करते हैं, और उस जादू कला जो हमारे देश से, कहीं ना कहीं हमारे देश की कला है जादू कला, और हमारे देश में लुप्त होते जा रहे हैं, तो हम युवा कलाकार काफ़ी प्रयास है कि हमारी इस कला को बचाया जाए। क्योंकि आज मोबाइल और नेट और इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं लोग लाइव शो से दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि बहुत ही अद्भुत कला सर्कस हमारे बीच से लुप्त होता जा रहा है, उसी तरह से कहीं ना कहीं जादू भी आज लुप्त होते जा रहा है। तो हम युवा जादूगर और इस चीज़ को प्रयास में है कि जादू को दिखाकर कहीं कहीं जादू तो लोग दिखाएं और इंटरटेन भी करें, और साथ में समाज के बीच से फैले जो कुरूति है जैसे कि नशा मुक्ति लोग।